पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा था। बस उसी पर पलटवार करते हुए मंत्री विश्वास सारंग बोले कि यह कांग्रेस सरकार का ही पाप है। कांग्रेस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी थी और उसी के कारण आज तक ये बढ़े हुए बिजली के बिल आ रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग ने आगे अपने बयान में कहा कि कांग्रेस के शासन में बिल तो आते थे पर बिजली नहीं आती थी। 15 महीने तक कांग्रेस की सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया था और विकास की बात ही नहीं की थी। साथ ही विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस की नाव का चप्पू पप्पू के हाथ में है और इसी कारण लगातार कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करती है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी कोरोना को लेकर सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। प्रदेश के नेता कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पर कांग्रेस के नेता के यहाँ ही शराब की पार्टी चलना, ये निश्चित रूप से बहुत शर्मनाक भी है और इसकी भर्त्सना भी करनी चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि वो संयम और अनुशासन के साथ रहे। उनके नेताओं में जिस प्रकार से इस पूरे मामले में समाज को विघटित करने का मामला है, वो बहुत ही शर्मनाक है। निश्चित रूप से लक्ष्मण सिंह जी जो बात कर रहे हैं वो कांग्रेस के का यथार्थ है। हम पहले से कहते आए, मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस की स्थिति डावाडोल ही नहीं है, पूरी तरह डूबने की है। कांग्रेस की नाव का चप्पू पप्पू के हाथ में है, इसलिए ये स्थिति बन रही है। ना कांग्रेस की नीति है, ना कांग्रेस का नेता है, और इसलिए जो भी जनता के प्रति विधायक कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता है वो कांग्रेस छोड़ रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि 15 महीने में जो कांग्रेस की सरकार में हुआ वो जनता के साथ ठीक नहीं हुआ। उसने जिस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा था वो मुद्दे पूरे नहीं हुए, और इसीलिए जो भी जनता के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहता है वो विधायक कांग्रेस छोड़ रहा है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट।